दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको ट्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल कंकाली मंदिर के निकट रामबाग दरभंगा, प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटलिटी, दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा, अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में, अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, साड़ी लहंगा मेंस वियर लेडीज एंड किड्स वियर सूट और सूट पीस। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की 46वीं बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आने वाली पीढ़ी का दायित्व हमारा, बोले कुलाधिपति। शैक्षणिक व्यवस्था पर अलग से होगी सीनेट की बैठक, पेंशन सेल का होगा गठन, महामहिम खुद करेंगे मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक से उपस्थिति बनाने का निर्देश। महामहिम की अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय में रविवार को सीनेट की बैठक आयोजित। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की 46वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए महामहिम कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि यह विद्वत सभा है। सीनेट का कार्य सिर्फ बजट पास करना नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार कैसे हो। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा में सुधार के लिए अलग से सीनेट की बैठक आयोजित हो, जिसमें हम सभी मिलकर सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक वातावरण की बेहतरी पर ही चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीनेट की इस विशेष बैठक में वे स्वयं उपस्थित भी रहेंगे। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि सूबे के 13 करोड़ आबादी पर हमें गर्व है, यहाँ के कौशल्य पर भी हमें नाज है। बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे बोझ नहीं हैं, बल्कि बोझ उठाने वाले हैं, फिर भी यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें चौराहे पर कोसेगी और कहेगी आप तो विश्वविद्यालय चला रहे थे, हमारे लिए क्या किया। It is worth it.
चर्चा करने के बाद कहेंगे कि इसको
इसके लिए और कुछ होने की आवश्यकता है, परंतु हमारे प्रदेशों के अन्य विश्वविद्यालयों में भी मैंने देखा है पूरे वर्ष भर में एक सीनेट की बैठक होती है और उस सीनेट की बैठक में बजट पारित करना यही प्रमुख एजेंडा होता है, प्रमुख मत होती है और उसको पारित करके हम अपने अपने घर चले जाते हैं, पुनः अगले वर्ष हम आते हैं। मुझे लगता है अगर हम शिक्षा के बारे में थोड़ा सा चिंतन करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारे चिंतन के बाद चिंता का भी विषय होना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय का अधिशंता मैं सदस्य हूं उस विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, खास करके शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में मुझे यहाँ आकर कुछ बताने की आवश्यकता है। चिंतन मैंने किया है लेकिन उस चिंतन मनन और मंथन को सबके सामने रखने की आवश्यकता है। ऐसा अगर नहीं मैं नहीं करूंगा तो मैं सीनेट का सदस्य केवल कागज पर सिग्नेचर करने के लिए हूँ, वहां अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो मैं सीनेट का सदस्य बन गया, परंतु आप सब इतने यहाँ बैठे हुए हैं आपके चेहरे से मुझे पता लगता है कि आप इससे बाहर जाकर विचार करने वाले भी बन जाते हैं। केवल इतना ही आप नहीं करेंगे, इसलिए मैं मेरा आग्रह रहेगा यहाँ के कुलपति और अधिकारियों से और खास करके आप सभी से कि केवल शिक्षा के विषयों पर चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए, मंथन करने के लिए अधिशक्ति सीनेट की अलग सी बैठक हो। चलो शिक्षा के विषय विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जो दायित्व हमको मिला है वह दायित्व है कि शिक्षा के बारे में हमें कुछ करना चाहिए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट में 4.5 अरब से अधिक के घाटे का बजट पारित, शामिल बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे स्वयं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार। संस्कृत विश्वविद्यालय में रविवार को आयोजित 46वीं सीनेट की बैठक में वर्ष 2023-2024 के लिए 4,54,57,14,529 रुपए के घाटे का बजट पारित हो गया। माननीय सदस्यों ने बजट में अपेक्षित सुधार को भी जरूरी बताया। प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने बजट को सदन के पटल पर रखा। प्रस्तुत बजट में कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 4,56,59,11,927 रुपए आंका गया है, जबकि कुल अनुमानित आय मात्र 2,01,97,398 रुपया है। प्रशासनिक खर्चे में कमी तथा आंतरिक स्रोतों से आय में बढ़ोतरी कर एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से घाटे की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की बैठक में ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति स्वयं बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे हों। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने तकरीबन 4.5 घंटे तक दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में अपना वक्त बिताया, सीनेट की बैठक की अध्यक्षता की। सबसे खास बात जो महामहिम राज्यपाल ने कही, उन्होंने सीनेट की बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि यह हर विश्वविद्यालय में साल में एक बार होता है। उन्होंने कहा कि इस बैठक को साल में एक बार की बजाय और अधिक बार करना चाहिए। यहाँ के जितने भी सदस्य हैं वो विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं, उन्हें न केवल बजट पास करने के लिए बैठक में बुलाया जाना चाहिए बल्कि उन सदस्यों को यह भी पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में क्या कुछ चल रहा है, विश्वविद्यालय की प्रगति कहां तक है, क्या कमियां हैं और उनके निराकरण के क्या उपाय हैं। महामहिम के इस बड़ी बात को विश्वविद्यालय ने भी नोट किया है और उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालय आगे इन पर अमल भी करेगा। न्यूज टुडे दरभंगा के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नीरज राय के साथ मैं संतोष झा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। सर्चिंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ड्स इंड हियर, नर्चरिंग इंडियाज टुमारो, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल नाउ इन दरभंगा एट जीवछ घाट,
नर्सरी टू ग्रेड 6, बिरला स्मार्ट स्कूलिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जॉयफुल एंड डिजिटाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, थीमेटिक एंड स्टेम बेस्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम, एडमिशन ओपन, ज्वाइन द सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। बिहार का पहला इंस्टीट्यूट जहां गुरुजी ओपी राय शिक्षा से पहले संस्कार को रखते हैं सर्वोपरि, गर्ल्स एवं बॉयज क्लास सेपरेट ताकि बच्चे गलत राहों पर न जाएं। भारत का पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां प्रैक्टिकल क्लास होता है, बोर्ड एग्जाम में 100% गेस टकराते हैं, 100% सिलेबस पूरा होता है, नीट क्लास तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेपरेट क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, डॉल्बी साउंड के साथ फुल्ली एसी, मात्र 500 रुपए महीना पढ़ाई। इससे अच्छी और सस्ती पढ़ाई पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम स्कूल न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल विद होस्टल अलफगंज कादिराबाद दरभंगा, CBSE एफिलिएटेड स्कूल अप टू 10+2 लेवल, ट्रेंड एंड वेल एक्सपीरियंस टीचर्स, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, इंग्लिश स्पोकन एनवायरमेंट, ऑडियो विजुअल क्लासरूम। हरी अप, एडमिशन ओपन। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी जो कि 15 रुपए में चले 121 किलोमीटर। आपका पसंदीदा ब्रांड युवराज एजेंसी सैदनगर लहेरिया सराय लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10 हजार के डाउन पेमेंट में, मात्र 1 घंटे में लोन पर खुशियों की चाबी आपके हाथ विशेष उपहार के साथ। चलकर आइए, चला कर जाइए। दरभंगा में लव मैरिज का खौफनाक द इंड, पहले से ही शादीशुदा थी अमेरिका, फिर भागकर 2 माह पहले कर ली राजा से लव मैरिज, आज कमरे से मिली लाश। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। लोमहर्षक इस खबर की बात विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजम नगर मोहल्ले से है, जहां एक महिला का घर से शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला ने साड़ी के फंदे से घर में लटक कर अपनी जान दे दी है, यानी खुदकुशी कर ली है। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है। सूचना पर पहुंचे विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया। मृतका की पहचान आजम नगर के रहने वाले राजा शाह की पत्नी अमेरिका देवी के रूप में हुई है। इस मामले को लेकर अमेरिका देवी के मायके पक्ष के लोगों को भी सूचित किया गया है। मायका इसका निहालपुर गांव में है। मृतका की सास रीना बताती हैं कि राजा और अमेरिका दोनों ने 2 माह पूर्व प्रेम विवाह किया था। अमेरिका देवी पहले से शादीशुदा थी, लेकिन प्रेम प्रसंग में उसने दूसरी शादी राजा से की। बताया गया कि राजा से प्रेम होने के कारण दोनों ने भागकर शादी की थी। 1 महीने से ससुराल के घर में रह रही थी अमेरिका। गुरुवार को राजा मुजफ्फरपुर गया था। मृतका की सास के अनुसार जिस वक्त महिला आत्महत्या की, उस वक्त उनकी 14 वर्षीय पुत्री घर में थी। रीना देवी बाजार में चूड़ी बेचने गई थी। थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया तो मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन पूरे मामले की जाँच की जा रही है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, जी हाँ, यह गाना तो बहुत ही पुराना है, लेकिन आज भी इसे सुनने वालों का मन मानो अनंत आकाश में हिलोरे मारने लगा। दरभंगा के आसमान में आज शाम वाकई एक नजारे ने न सिर्फ इस गाने की याद ताजा कर दी, बल्कि चांद के मुखड़े पे सितारा जड़ भी दिया। न्यूज टुडे के सबसे रेगुलर दर्शकों में से एक सिनवारा निवासी कृष्णकांत चौधरी ने जब हमें इस बारे में फोन पर सूचित किया, तो फौरन हमारी टीम ने इस लोमहर्षक दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। हम इसे आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप भी देखिए चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। चांद तो हर रोज निकलता है, आज रमजान की शुरुआत हुई है, आज भी चांद निकला है। चांद के ठीक नीचे एक तारे ने मानो इसके मुखड़े पर सितारा जड़ दिया।